ये एक माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने पूरे जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको ये एक मैसेज दिया गया है कि पुलिस स्टेशन में जो गुने नोंद होते हैं और स्पेशली जो महिलाओं के जो गुने हैं, तो ऐसे महिलाओं को बुलाना और महिलाओं को पूछना कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो उनको क्या लगता है। उसी दौरान आयोग को भी यहाँ रखा जाता है, आयोग को पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आया है और ये जो महिला है जो पीड़ित है उनको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हो रहा है वो सेटिस्फाइड है, क्या उनको लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ होने की यानी कि उनकी अपेक्षा है, और उसमें और कुछ दिक्कतें आती है तो यानी कि बाकी भी जो ऑफिसर्स हैं उनको मदद करके यानी कि उनको एक दिलासा देने की एक कोशिश होती है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस स्टेशन में है वो सही तरीके से हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है, और उनकी अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत यहाँ हमने सुनी है। आज दहिसर और कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के 19 महिला यहाँ पर जो पीड़ित महिला है उन्होंने यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपनी अपनी जो कैफियत है और अपने अपने जो कहानी है वो बताई, और आयोग के सामने हमने जो में जो प्रॉब्लम्स थे वो कहने की सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं अलग अलग जैसे कि कई रेप केसेस की भी यानी कि जो पीड़ित महिला है 498 जो दाखिल हुआ है जिन्होंने किया ऐसी महिला है, 354 जो है विनय भंग जो गुना दाखिल है ऐसे पीड़ित महिला है, तो ये अलग अलग यानी कि जो केसेस में आई हुई जो महिला है उनका हमने यहाँ बैठकर उनको हमने सुना और उनकी जो शिकायत है और उनकी जो उनका एक सुझाव है उनको लगता है कि और ये मुद्दे पे तपास होना चाहिए। हो सकता है कि एक दो केसेस में ऐसा है कि आरोपी अटक होने के बाद भी उनको जो तकलीफ़ है ये तकलीफ़ अभी तक बंद नहीं हुई है, तो उनके खिलाफ़ जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो वो प्रिवेंटिव एक्शन जो शुरू करने की जो यानी कि हमने एक सूचना दी है आईओ को, तो इस तरह की जो है उनके मन में जो शिकायत है और जो सूचना है ये हमने यहाँ पर सुनी है, और उस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और पीड़ित महिला कि जो जिन्होंने केस दर्ज किया है तो इनके यानी कि जो उनको लेके तपास जो है तपास में एक आगे गति देना और अच्छी तरह से तपास होने की दिशा में यहाँ काम हुआ है। जैसे कि अभी हमने तो बहुत सारे महिलाओं को बुलाया था, आज बारिश है तो आज 19 पीड़ित महिला जो है यहाँ पर उन्होंने यहाँ आकर अपनी अपनी जो समस्या यहाँ पर बताई है। एक्चुअली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है ये बीच बीच में जो पीड़ित महिला है जो कंप्लेनेंट होती है तो उनको इतलाक तो कर देता है कि अपने इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आया है, किस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आरोपी कब पकड़ा गया इसके बारे में, लेकिन कभी कभी पीड़ित महिला है उसको लगता है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन में एक और मुद्दा बाकी है, इस तरह से होना चाहिए, तो वो जो एक गैप होता है वो तो गैप जो है वो ब्रिज करने की कोशिश आज की गई है।